सबने आज ये नए तरीके का और हेल्दी नाश्ता बनाकर रेडी किया। ये नाश्ता बनाने में बहुत आसान है और खाने में सुपर टेस्टी है। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत कम सामान में बनने वाला नाश्ता। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर हम एक चम्मच बेसन डालेंगे और एक चम्मच से डेढ़ चम्मच हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे ताकि हमारा नाश्ता खस्ता कुरकुरा बनकर। अब हम इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल एक चम्मच मोइन डालेंगे और इसको अच्छे से हम इसके अंदर थोड़े से सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो लगाकर रेडी कर लेंगे। डो बहुत ना सख्त लगाना है ना ही बहुत सॉफ्ट लगाना है, सेमी सॉफ्ट डो लगाकर हम इसका रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो लग के रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, इसके अंदर अगर आप चाहें तो सूजी बेसन मिक्स करें, और चाहें तो आप, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मगर सूजी और बेसन दोनों यूज़ करने से इस नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इस डो को सेट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा एक चम्मच भरकर ऑयल डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से थड़कने देंगे, उसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज का हमारा कच्चापन दूर हो गया है, कच्चापन इसका ही खाली हमको दूर करना है। अब हमने ये चार पांच आलू क्रैच करके लिए, इसको भी हम इसके, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, कढ़ाई पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर इस मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। हमने एक छोटा सा टुकड़ा ये पनीर का लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे क्योंकि नमक अभी हमने मसाले में नहीं डाला। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भूनकर रेडी। ये देखिए हमारी स्टफिंग को हम इस तरीके से क्रैश करते हुए, इसका हमको स्मूथ सा दो फिलिंग बनानी है ताकि हमारे नाश्ते में किसी प्रकार की का कोई क्रैक ना पड़े। फ्रेंड्स, हम ये नाश्ता अप्पम स्टैंड में बनाकर रेडी करेंगे बिना फ्राई करें। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आपको इसके में इसके आगे मार्केट की जो कचौड़ी होती है वो भी आपको फीकी लगेगी। फ्रेंड्स, हमारे घर में तो ये नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बनाई रेसिपीज पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अभी हमारा मसाला काफ़ी कुछ भुन गया, अभी हम इसको थोड़ी देर और भुनेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और धनिया डालकर भी हम इसको थोड़ी देर अभी भुनेंगे ताकि धनिया की अच्छी सी खुशबू हमारे स्टफिंग में आ जाए। ये देखिए स्टफिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए मेरी जो हमने स्टफिंग बनाई वो कितनी सुंदर लग रही है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कहती हूँ, आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। हमारे घर में तो ये नाश्ता बहुत पसंद किया जाता है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए आटा हमारा सेट हो गया है, स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जो ये हमारी स्टफिंग है इसकी इस तरीके से हम छोटी छोटी बाउल्स बना के रेडी कर लेंगे। अब हम आटे की लोई लेंगे और उसको इस तरीके से पतला पतला बेलेंगे और जो हमने आटे की आलू की स्टफिंग बना के रेडी करी है उसको हम इस तरीके से राउंड राउंड शेप करते हुए ऊपर से सेट कर देंगे और उसको हाथों से फिर से गोल कर देंगे। इसी तरीके से हम सारा नाश्ता बनाकर रेडी। हम आपको एक और बना के दिखाते हैं। पूड़ी की थिकनेस आप देख सकते हैं। लोई हम बीच में रखेंगे और इसको चारों तरफ से इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे और हाथों से राउंड कर देंगे। फ्रेंड्स, हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं हम। ये नाश्ता देशी घी में बना रहे हैं। आप रिफाइंड ऑयल में बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब पे स्टैंड हमने गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। फ्रेंड्स, हम ये नाश्ता अब पे स्टैंड में बनाकर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। ये हम देशी घी लगा रहे हैं। आप रिफाइंड ऑयल भी नहीं इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। और हम अब इसके अंदर चुटकी चुटकी भर काला सफेद तिल मिक्स करके डालेंगे। और जो नाश्ता हमने बनाकर रेडी किया है उसको एक एक बॉक्स में हम इस तरीके से सेट कर देंगे। ये देखिए, नाश्ता हमने पूरे स्टैंड में लगा दिया है, सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का देसी घी ऊपर से लगा देंगे। इसको पलट देंगे और चारों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर रेडी कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाकर हमारा नाश्ता एक तरफ से सीख गया था। अब हमने इसको पलट दिया। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से नाश्ते को सीखने में 5 मिनट लगे थे, अभी 5 मिनट इसको क्रिस्पी होने में और लगेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको फिर से बताएंगे ते हैं कि आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारी कचौड़ी बिल्कुल सिक कर रेडी हो गई है। हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम कुछ बीच बीच में नहीं सिकिए, इनको अभी हम इसी में सिकने देंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता, कम तेल का बना नाश्ता कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए हमारा नाश्ता सिककर रेडी हो गया था। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का देसी घी लगाएंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो आप लगाइए, वरना आप इसको इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। हम आपको इसको पास से दिखाते हैं और हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि हमारी कितनी खस्ता कचौड़ी बनकर रेडी हुई है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बनाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।